सोलन शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नगर निगम ने अब कवायद तेज कर दी है। इसके लिए डॉग शेल्टर बनाने के लिए जगह चिन्हित की गई है। वहीं इसको लेकर नगर निगम द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, एनजीओ के सदस्य और कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो कुत्तों से संबंधित विषयों पर कार्य कर रहे हैं। ये कमेटी सोलन शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की जनसंख्या को लेकर कार्य करेगी और उनकी नसबंदी कर उनका वैक्सीनेशन भी करेगी। नगर निगम सोलन की ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत स्ट्रीट डॉग्स की डॉग बाइट की शिकायतें निगम के पास पहुंच रही थी। ऐसे में डॉग बाइट के मामले भी लगातार सामने आ रहे थे। ऐसे में एक्ट के तहत नगर निगम द्वारा कमेटी बनाई गई है, जिसके तहत अब सोलन शहर में आवारा कुत्तों पर नकेल कसी जाएगी। इनमें कुत्तों की नसबंदी और उनका वैक्सीनेशन भी किया जाएगा ताकि उनकी बर्थ कंट्रोल की जा सके। हाँ जी, वैसे तो जो ये स्ट्रीट डॉग्स वाली समस्या है, ये काफ़ी विकराल रूप ले लिया है इसने सोलन में, और हमें रोज़ जो है काफ़ी जो है इसमें ग्रीवियंसेस जो आते हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है 2001 के, वो हमें कहते हैं कि एक कमेटी कंस्टिट्यूट होती है और वो कमेटी इंटर डिपार्टमेंटल है। हमने ये डिसाइड किया कि आगे से हमें अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं डॉग बाइट के तो हमें क्या करना है और कैसे हमें जो है, जो आपको पता है डॉग बहुत टेरिटोरियल है और एज़ पर रूल्स जो है आप ना किसी डॉग को मार नहीं सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, डॉग को जो है, जो मेल डॉग है उसको कैस्ट्रेट करना है, स्टरलाइज करना है, वैक्सीनेट करना है और जहाँ से उसे उठाया था उसको वहीं पर वापस जो है उसी जगह पर छोड़ना है। तो उसका एक प्रोसीजर है और उसमें काफ़ी हमारी मैन पावर भी लगेगी। केजेस जो है, डॉग केजेस, उनको किस तरीके से उठाना है, वो सब कुछ प्रोसेस है। और ड्यूरिंग जब उनकी कैस्ट्रेशन होगी तो उस टाइम पे उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो देनी होती है, विच इज़ फ्रॉम 3 to 5 days, वो देनी है, वो कहाँ देनी है। एंड उसमें जो हमारा, इसलिए हमने एक कुछ टेंडर भी इसके लिए बनाया है एंड हमने ऑलमोस्ट टेंडर फाइनलाइज किया है, बट वो हम इस कमेटी के थ्रू वेट करवाना चाहते थे। हाँ जी जी, जैसे कि अभी हमें जो डॉग का एक फ़िगर जो है, एग्जैक्ट फिगर के हिसाब से तो नहीं है, बट 2000 डॉग्स जो है हमारे पास, अगर हम मानकर चलते हैं प्लस माइनस 20 जो है, तो उसमें हम हफ्ते में 2 दिन जो है ये कैंप लगेगा, जहाँ पे डॉग्स की जो है उनको स्टरलाइजेशन और उनकी कैस्ट्रेशन जो है वो करवाई जाएगी। उसके बाद बिकॉज ऑब्वियसली उनको नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनको 3 to 5 days के लिए हम जो है उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो प्रदान करेंगे। और उसके लिए एमसी ने अभी जो जगह चयनित की है उस पर अभी हम, वी आर कमिंग एट अ प्लेस कि हम जहाँ वो उसको, उनके लिए डॉग शेल्टर्स जो है वो बनाने के लिए सोच रहे हैं। सोलन शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नगर निगम ने अब कवायद तेज कर दी है। इसके लिए डॉग शेल्टर बनाने के लिए जगह चिन्हित की गई है। वहीं इसको लेकर नगर निगम द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, एनजीओ के सदस्य और कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो कुत्तों से संबंधित विषयों पर कार्य कर रहे हैं। ये कमेटी सोलन शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की जनसंख्या को लेकर कार्य करेगी और उनकी नसबंदी कर उनका वैक्सीनेशन भी करेगी। नगर निगम सोलन की ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत स्ट्रीट डॉग्स की डॉग बाइट की शिकायतें निगम के पास पहुंच रही थी। ऐसे में डॉग बाइट के मामले भी लगातार सामने आ रहे थे। ऐसे में एक्ट के तहत नगर निगम द्वारा कमेटी बनाई गई है, जिसके तहत अब सोलन शहर में आवारा कुत्तों पर नकेल कसी जाएगी। इनमें कुत्तों की नसबंदी और उनका वैक्सीनेशन भी किया जाएगा ताकि उनकी बर्थ कंट्रोल की जा सके। हाँ जी, वैसे तो जो ये स्ट्रीट डॉग्स वाली समस्या है, ये काफ़ी विकराल रूप ले लिया है इसने सोलन में, और हमें रोज़ जो है काफ़ी जो है इसमें ग्रीवियंसेस जो आते हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है 2001 के, वो हमें कहते हैं कि एक कमेटी कंस्टिट्यूट होती है और वो कमेटी इंटर डिपार्टमेंटल है। हमने ये डिसाइड किया कि आगे से हमें अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं डॉग बाइट के तो हमें क्या करना है और कैसे हमें जो है, जो आपको पता है डॉग बहुत टेरिटोरियल है और एज़ पर रूल्स जो है आप ना किसी डॉग को मार नहीं सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, डॉग को जो है, जो मेल डॉग है उसको कैस्ट्रेट करना है, स्टरलाइज करना है, वैक्सीनेट करना है और जहाँ से उसे उठाया था उसको वहीं पर वापस जो है उसी जगह पर छोड़ना है। तो उसका एक प्रोसीजर है और उसमें काफ़ी हमारी मैन पावर भी लगेगी। केजेस जो है, डॉग केजेस, उनको किस तरीके से उठाना है, वो सब कुछ प्रोसेस है। और ड्यूरिंग जब उनकी कैस्ट्रेशन होगी तो उस टाइम पे उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो देनी होती है, विच इज़ फ्रॉम 3 to 5 days, वो देनी है, वो कहाँ देनी है। एंड उसमें जो हमारा, इसलिए हमने एक कुछ टेंडर भी इसके लिए बनाया है
एंड हमने ऑलमोस्ट टेंडर फाइनलाइज किया है, बट वो हम इस कमेटी के थ्रू वेट करवाना चाहते थे। हाँ जी जी, जैसे कि अभी हमें जो डॉग का एक फिगर जो है एग्जैक्ट फिगर के हिसाब से तो नहीं है, बट 2000 डॉग्स जो है हमारे पास, अगर हम मानकर चलते हैं प्लस माइनस 20 जो है, तो उसमें हम हफ्ते में 2 दिन जो है ये कैंप लगेगा, जहाँ पे डॉग्स की जो है उनको स्टरलाइजेशन एंड उनकी कैस्ट्रेशन जो है वो करवाई जाएगी। उसके बाद बिकॉज ऑब्वियसली उनको नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनको 3 to 5 days के लिए हम जो है उनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो प्रदान करेंगे। और उसके लिए MC ने अभी जो जगह चयनित की है उस पर अभी हम वी आर कमिंग एट अ प्लेस कि हम जहाँ वो उसको उनके लिए डॉग शेल्टर्स जो है वो बनाने के लिए सोच रहे हैं।